अभी सुबह तक इतनी धूप थी कि क्या बताए। रात के 8 बज रहा है और यहाँ पे अप्रैल का महीना है, देखिए स्नो स्टार्ट हो गई है। सुबह तक यहाँ इतनी धूप थी, अभी स्नो गिर रही है, रुकियाँ चल रही हैं। ये है सोनिया का वेदर, ये इतना इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हमारे पति देव हैं जो हमें स्नोफॉल में ये घूमने के लिए लेके आए हैं। ये देखिए ये अप्रैल का सीन है और यहाँ स्नो अभी भी गिर रही है। नहीं निकले थे तो मौसम सही था, जैसे ही आए नीचे वैसे ही स्नो सही। अब हम स्नो का मज़ा ले रहे हैं, अप्रैल है मेरी लास्ट स्नो हो, हमेशा ये लोग कहते हैं कि लास्ट होगी बट हर नेक्स्ट वीक गिरी जाती है। और मैं गर्मी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन गर्मी आ रहे पति देव हैं जिनको मैं फॉलो करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। इतना दूर चले आए हम, लेकिन अभी भी स्नो गिर रही है, रुकने का नाम नहीं है। मेरे बालों और मेरे चेहरे का क्या हाल हुआ है बर्फ की वजह से। स्टोनिया अच्छी है बट गर्मी रहे तब, ठंडी में भी बस रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन कह दो, रेलवे स्टेशन कह दो, कुछ भी कह दो, क्योंकि स्टोनिया का ऐसा सिस्टम है यहाँ पे किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ ना कोई गेट होगा, ना कोई इंसान दिखेगा किसी चीज़ के लिए, ना कोई टिकट काउंटर होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ ट्रेन आती है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आ जाओ और जो भी ट्रेन आएगी उस पर आप बैठ जाओ, यहाँ पे और कोई नहीं दिखेगा। ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पे होती है, ऑनलाइन के अलावा यहाँ ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता। ये स्टेशन है, ऐसा स्टेशन आपको हर जगह मिलेगा। सामने से ट्रेन आ रही है, काफ़ी दूर है, और यहाँ की ट्रेन इंडिया की मेट्रो से मेट्रो की जैसी नहीं होती है। यहाँ पे ये जो ट्रेन आती है लोकल इंसान के लिए आती है, लोकल लोगों के लिए आती है, 10-5 लोगों के लिए, और एक बुलेट ट्रेन वाली फीलिंग देती है। ये ट्रेन बहुत अच्छी होती है, काफ़ी दूर है, बहुत स्पीड से आती है। यहाँ पर ट्रेन आ रही है जा रही है खुद देखना पड़ता है सावधानी पूर्वक आके आप रेलवे लाइन को क्रॉस करें, वरना अचानक से कभी भी आ सकती है। ये है हमारी ट्रेन, इस ट्रेन का नाम है एलरॉन, यहाँ पे एलरॉन चलती है। यहाँ पे स्नो जैसे गिरी यहाँ पे सफ़ेद चादर हो गई सड़क पे, और अब थोड़ा स्नो कम हो गई है, अब हम अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारी वॉकिंग हो गई, ठंडी भी काफ़ी हो गई है तो बाहर रहना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा आप रूम में चलो। अपने घर पे पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से हमारा घर, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, सब जगह भी एक ही नज़ारा दिखेंगे आपको, कहीं डिफरेंट कुछ नहीं दिखता है। यहाँ पे बस पेड़ दिखेंगे, सड़क साफ़ सुथरी दिखेगी, इंसान एक दो दिखेंगे बस, इसके अलावा सर्दी में बर्फ़ तो दिखेगी दिखेगी, गर्मी में भी दिख सकती है। ये हमारे पति आराम से चले जा रहे हैं, रात के 8:20 हो रहा है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ऐसे उजाला है जैसे सुबह हो रही है। यहाँ यही प्रॉब्लम है, यहाँ सूरज गर्मी में रात तक नहीं डूबता है, रात में भी यहाँ पे धूप होती है। खैर आज धूप नहीं है क्योंकि आज स्नो गिर रही है और मौसम भी सही नहीं है, तो आज अभी उजाला बस दिख रहा है, सूरज कल दिखेगा। और सामने हमारा ग्रॉसरी स्टोर है, उसका नाम है, जहाँ से हम लोग ग्रॉसरी खरीदते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आप लोग को उसका टूर करा देंगे, यहाँ पर ग्रॉसरी कैसे मिलती है, क्या प्राइस होता है, सब्ज़ियाँ कैसी होती है, नॉर्मल टूर तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कराऊंगी। खैर अब देखते हैं, इतने देर तक हमने शॉपिंग करी, लेकिन आप देख सकते हैं इतनी सारी बर्फ़ गिर गई और स्टिल ये बर्फ जारी है, देखिए कब तक गिरती है। आप सड़क देख सकते हैं, यहाँ की रोड देख सकते हैं, पेड़ पर भी जहाँ पत्ते होने चाहिए इस टाइम पे स्प्रिंग का मौसम है, तो यहाँ पे पेड़ पे पत्ते की जगह बर्फ दिख रहा है। वो सामने हमारा अपार्टमेंट है, हम बस अपने अपार्टमेंट पे पहुँचने वाले हैं, हम हमारे पतियों को सामान लेके बैठ रहे हैं आगे, हम इनको फॉलो कर रहे हैं, कुछ ही देर में हम अपने अपार्टमेंट पे पहुँचेंगे। सामने देख सकते हैं हमारा